सिन्हानिया की कॉल के बाद ईशान तुरंत ही हॉस्पिटल से निकल गया था, जबकि नितिका अभी भी उस छोटे से गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों में ले लिया। जरा देखो तो क्या है इसमें। नितिका आहिस्ता से उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने लगी और अगले ही पल उसकी होठों पर एक स्माइल आ गई। उस बॉक्स में बहुत ही प्यारी सी हार्ट शेप की घड़ी थी। इधर एक तरफ जहाँ नितिका ईशान के गिफ्ट से काफी इंप्रेस नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईशान पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई कि मिस्टर सिन्हानिया ने उसे इस तरह से बुलाया। ईशान पूरे रास्ते अपने इन सवालों में उलझा हुआ, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा तब उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। ईशान ने देखा कि राजहंस मिस्टर सिन्हानिया के केबिन में बैठा हुआ है। सिन्हानिया सर, आप जानते ही हैं कि वो सीक्रेट सेक्शन सिन्हानिया डायमंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर आपने इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ईशान को दे दी। सर शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन इस ईशान ने उस सीक्रेट सेक्शन पर एक ताला लगा दिया है जिसकी चाबी सिर्फ उसके ही पास रहती है। सिन्हानिया ने देखा कि ईशान दरवाजे पर चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ राजहंस, दरअसल सीक्रेट सेक्शन में एकदम बिल्ली घुस गई थी, इसलिए मैंने ही कहा था कि सीक्रेट सेक्शन को थोड़ा और बेहतर बना दो। पर सर, सेक्शन में लॉक लगाना और उसकी चाबी सिर्फ ईशान के पास होना, क्या आपको ये ठीक लग रहा है? अगर सीक्रेट सेक्शन में कुछ हो गया तो आप जानते हैं ना क्या होगा। मैंने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है राजहंस, अगर सीक्रेट सेक्शन में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर जाएगी जिसके पास ये चाबी रहेगी। वैसे भी अब तुम आ गए हो तो टाइम टाइम पर सेक्शन को चेक करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे देता हूँ। सिन्हानिया की बात सुनते ही राजहंस शातिराना तरीके से मुस्कुरा उठा। अच्छा हुआ सर, आपने चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी। चलिए सर, आज मैं आपके सामने चेक करता हूँ। मिस्टर सिन्हानिया हालांकि राजहंस और ईशान को अकेले ही भेजना चाहते थे, लेकिन राजहंस की जिद की वजह से उन्हें भी साथ जाना ही पड़ा। सर मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक लड़के के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना खतरे से खाली नहीं, आप मुझे भी चाबी रखने की परमिशन दीजिए। राजहंस पूरे रास्ते मिस्टर सिन्हानिया को बरगलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ईशान ये सब कुछ सुनता हुआ चुपचाप सीक्रेट सेक्शन की तरफ बढ़ रहा था। फिलहाल तो उसे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ सेक्शन का दरवाजा खुलवाने के लिए राजहंस ने उसे इस तरह इमरजेंसी कहकर ऑफिस बुलवाया था। लगता है मिस्टर राजहंस वंडर बॉय से कुछ ज्यादा ही खफा है, इसलिए तो वंडर बॉय का सारा गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं। मनी मन सोचते हुए आखिरकार ईशान ने वो दरवाजा खोल ही दिया। अंदर जाते ही राजहंस गौर से हर कोने को देखने लगा। कहीं न कहीं उसकी आंखों में इस बात का डर साफ दिखाई दे रहा था कि सिन्हानिया डायमंड्स में वो। दिस स्टोरी हैज बीन अपलोडेड बाय वंडर बॉय ईशान बाय एंडलेस ऑडियो टेलीग्राम चैनल। प्लीज जॉइन दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट अर्ली एपिसोड इन टेलीग्राम। इतना जरूरी नहीं रह गया था जितना कि पहले था। राजहंस सर देख लीजिए, सब कुछ ठीक तो है ना। राजहंस ने खा जाने वाली नजरों से ईशान को घूरा और हर स्टोन को गौर से देखने लगा। ईशान प्लीज राजहंस की किसी बात को दिल पर मत लेना, मैं थोड़ा सा शक्की तो है लेकिन बहुत काम का आदमी भी है। ईशान का मन तो कर रहा था कि वो राजहंस की सारी पोल खोलकर रख दे, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसने मुंह न खोलना ही बेहतर समझा। और तभी राजहंस ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन ईशान के होश उड़ गए। सिन्हानिया सर मैं कह रहा था ना कि किसी एक आदमी पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना सही नहीं है, अब देखिए मैं अपनी बात को साबित करके दिखाता हूँ। आइए देखिए इस स्टोन को। राजहंस जिस स्टोन की बात कर रहा था वो स्टोन कोई और नहीं बल्कि वही स्पेस स्टोन था जिसकी मदद से ईशान ने स्कूल में बच्चों की जान बचाई थी। राजहंस की बात पर सिन्हानिया भी उस स्टोन के पास आहिस्ते से पहुंचे और ये देख सिन्हानिया भी सीरियस हो गए कि वो पत्थर बाकी पत्थरों के मुकाबले काफी ज्यादा चमक रहा था। मिस्टर सिन्हानिया ने इस बात पर भी गौर किया कि उस स्टोन के आसपास की धूल भी काफी साफ थी। राजहंस तुम कहना क्या चाहते हो? सर यहाँ मौजूद सभी पत्थरों को देखिए, सभी पत्थरों के पास धूल कुछ ज्यादा ही जमा है, इसका एक ही मतलब हुआ कि किसी ने इस पत्थर को अपनी जगह से उठाया है और इसे वापस रख दिया है। सर मुझे तो लगता है कि किसी ने यहाँ से ओरिजिनल पत्थर को उठाकर किसी डुप्लीकेट पत्थर को यहाँ रख दिया है। ये सुन सिन्हानिया हैरानी से ईशान को देखने लगे। ईशान क्या तुमने इस पत्थर को यहाँ से उठाया था? ईशान जानता था कि अगर उसने हाँ में जवाब दिया तब भी वो फंसेगा और ना में जवाब दिया तब भी। अंकल असल में मैंने बस इस पत्थर को परखने के लिए उठाया था, वैसे ये यहाँ मौजूद सभी पत्थरों में सबसे ज्यादा रेयर है, ऐसा पत्थर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ईशान के जवाब पर सिन्हानिया एक टक से उसे देखने लगे और राजहंस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। देखा सर मेरी नजरों का कमाल, अब इस मिस्टर सीईओ को मुझ पर छोड़ दीजिए। तो ईशान बताओ असली वाला पत्थर कहाँ है? ईशान गुस्से से घूर कर राजहंस को देखने लगा। आप चाहे तो चेक करा ले, ये वही पत्थर है। वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं जो अंकल के मुंह पर अच्छा बोलूं और पीठ पर छुरा घोपूं। तुम कहना क्या चाहते हो ईशान? मैंने सर की पीठ पर छुरा घोपा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको ही कहा? राजहंस इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि ईशान उसके एक ऐसे राज को जानता है जो शायद उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है, लेकिन राजहंस को ये बात भी मालूम थी कि सिन्हानिया के लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं आपके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि आपने इसे सीईओ बनाया, लेकिन हाँ मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है कि सीक्रेट सेक्शन की बस एक ही की है और वो भी सिर्फ इस ईशान के पास। मिस्टर सिन्हानिया वहाँ हो रही हर बात को गौर से देख और सुन रहे थे। ईशान राजहंस ठीक कह रहा है, सीक्रेट सेक्शन की एक कॉपी की राजहंस को भी सौंप दो। ईशान काली आंखों से राजहंस को देखने लगा। ठीक है सर मैं दे दूंगा। ईशान की हामी पर राजहंस ने अपने मन में सोचते हुए कहा, तुम मुझे एक बार चाबी दे तो सही ईशान, फिर देख मैं तेरा क्या करता हूँ।
तुझे लट्टू बनाकर मैंने नहीं नचाया ना, तो मेरा नाम भी राजहंस नहीं। राजहंस के हद से ज्यादा प्रेशर और सिंघानिया के कहने की वजह से ईशान को आखिरकार एक कॉपी की राजहंस को देनी ही पड़ी। और ईशान ने जब ये सब कुछ नीतिका को बताया तो नीतिका बुरी तरह से चौंक गई। आखिर पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, राजहंस जैसे आदमी पर इतना ज्यादा भरोसा ठीक नहीं। दिस स्टोरी हैज बीन अपलोडेड बाय वंडर बॉय ईशान बाय एंडलेस ऑडियो टेलीग्राम चैनल। प्लीज जॉइन दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट अर्ली एपिसोड इन टेलीग्राम। जब कोई आदमी कंपनी का 50% रेवेन्यू दे तो उसे सिर पर उठाना ही पड़ता है नीतिका। परेशान, पापा ये नहीं जानते क्या कि राजहंस पूरी कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है? नीतिका, मेरे रहते तुम इस बात की चिंता मत करो, कोई भी सिंघानिया डायमंड्स को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। और फिलहाल के लिए ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम सुबह क्या बोल रही थी, आखिर कौन सा बिजनेस आइडिया है तुम्हारे पास? नीतिका ने प्यार से अपने हाथों में मौजूद घड़ी को देखा और ईशान को एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने लगी जिसे सुन ईशान का भी चेहरा चमक से भर उठा। नीतिका के बिजनेस आइडिया को सुन ईशान मुस्कुरा उठा था। अब समझ में आ रहा है तुम्हारे पापा बिजनेस के मामलों में तुम पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं। ईशान, ये तो कुछ भी नहीं, तुम बस मेरी बातों को फॉलो करते रहो, फिर देखना मैं कैसे सिंघानिया डायमंड्स की तरह ही एक नई कंपनी खड़ी करके दिखाती हूँ। ईशान शांत था, वो जानते थे कि भले उसके पास वंडर बॉय की पावर्स हैं लेकिन बिजनेस के मामले में वो नीतिका से कम ही था। वैसे नीतिका, एक बात पूछूं? नीतिका ने हाँ में सर हिलाया जिस पर ईशान ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। नीतिका, वैसे तुमने हम लोगों की इस नई कंपनी के बारे में अपने पापा को बताया? नीतिका ईशान की हिचकिचाहट को साफ समझती थी। ईशान, तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो, वैसे भी मेरे पापा वैसे इंसान नहीं जो हम लोगों की तरक्की देखकर जलने लगे। अरे हाँ, वैसे भी तुम तो कंपनी में 50% के हिस्सेदार रहोगी, तब तो शायद ही तुम्हारे पापा को हम दोनों की नई कंपनी से कोई शिकायत हो। ईशान, इन सब बातों को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे ना, फिलहाल के लिए तुम अभी के अभी मनाली निकल जाओ। तुम जानते हो ना वो स्पॉट बुक करना हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नीतिका की बात सुनकर ईशान तुरंत ही हॉस्पिटल से निकल गया। नीतिका सही कह रही है, अगला 15th को फेयर है और अपनी कंपनी का डेब्यू करने का इससे बढ़िया मौका कोई हो ही नहीं सकता। सप्ताह भर में मनाली स्पॉट से डायमंड्स और स्टोन निकलवा लूंगा और फिर सीधे फेयर में निकल आ जाऊंगा। ये फेयर न सिर्फ हम लोगों की कंपनी को एस्टैब्लिश कर देगा बल्कि इससे हम लोग मार्केट में आते ही छा जाएंगे। नीतिका के प्लान में ईशान को अपना फ्यूचर साफ दिख रहा था, वो एयरपोर्ट के पूरे रास्ते नीतिका के बिजनेस प्लान के ही बारे में सोच रहा था। लेकिन ईशान इस बात से अनजान था कि हॉस्पिटल से निकलने के साथ ही एक कार उसका पीछा करने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने सिर पर हैट और काला चश्मा लगाए हुए वो आदमी ईशान के पीछे पीछे टिकट काउंटर तक भी आया और ईशान के काउंटर से जाते ही उसने वही का टिकट मांगा जहाँ ईशान जा रहा था। सर, आपको भी मनाली का टिकट लेना है? हाँ। काउंटर पर बैठी लेडी को उस आदमी का ये बिहेवियर काफी अजीब लगा था। जब वो आदमी मनाली का टिकट लेने के बाद एयरपोर्ट के अंदर जाने की बजाय एयरपोर्ट से बाहर आ गए। इस लड़के के कुछ ज्यादा ही पंख उठने लगे हैं, अब इसको कुतरने का वक्त आ गया है। इतना कहते हुए उस शख्स ने टिकट को कूड़ेदान में डाल दिया और ब्लूटूथ से कॉल लगाते हुए अपनी कार में आकर बैठ गया। कुलकर्णी, कैसे हो? मिस्टर वैक्स, आप तो मेरे बारे में मत ही पूछिए, वही अच्छा है। आप जानते नहीं उसने मेरा कितना बुरा तरीके से बजाया है। अब घंटा बंद कर रहोगे तो लोग बजाएंगे ही ना, पर वो सब छोड़ो और ये बोलो मेरा एक काम करोगे? काम तो कर दूंगा मिस्टर वैक्स, पर पहले प्लीज जले पर नमक छिड़कना बंद कीजिए। मैं कोई घंटा नहीं, वो तो वो शेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वरना मैं उस कुत्ते के पिल्ले को ऐसा मारता ना कि उसकी सात पुश्तें मुझे सोते वक्त याद करती। इधर शेरा और उधर उस साले ईशान की वजह से मुझे भागना पड़ा। साले ने न सिर्फ मेरा प्लान चौपट कर दिया बल्कि मेरे आदमियों को भी पकड़वा दिया। कुलकर्णी ईशान के बारे में और भी कुछ बोलने वाला था पर उससे पहले ही मिस्टर एक्स बीच में ही बोल पड़े। बस कुलकर्णी बस, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, जिसने तुम्हारी बचाई ये उसी से रिलेटेड काम है। इतना कहते हुए मिस्टर एक्स नाम के उस आदमी ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं कायरों से काम नहीं करवा सकता। इतना कहते हुए मिस्टर एक्स अपने टच फोन पर अपनी उंगलियां चलाने लगे और फिर तुरंत ही एक नंबर डायल कर दिया। हेलो, शिकार मनाली जा रहा है, शिकार जो भी हो आप उसका फोटो और नाम भेज दीजिए, काम हो जाएगा। उसका नाम ईशान है, वो हद से ज्यादा चालाक है, इसलिए तुम अपने तरीके से काम नहीं करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इतना कहते हुए मिस्टर एक्स कॉल पर मौजूद आदमी को तुरंत ही अपना सारा प्लान बताने लगे। ईशान का मनाली पहुंचने से पहले ही उसके लिए जाल बिछने लगे थे, जबकि वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान ईशान नीतिका के पूरे बिजनेस प्लान की एक फाइल बनाकर मनाली लैंड हुआ था। मनाली लैंड होने के साथ ही ईशान ने सबसे पहले एक कैब बुक किया और तुरंत ही उस स्पॉट की तरफ जाने लगा जहां पर कि पिछली बार नीतिका को गोली लगी थी। मैं जानता हूं, वो जगह कोर स्टोन के साथ साथ काफी सारे डायमंड से भरी पड़ी है, मुझे तुरंत ही उसे अपने और नीतिका के नाम पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ईशान अपने मन में ये सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि तभी पहाड़ों के ऊपर किसी चीज को चमकता देख वो चौंक गया। ईशान ने तुरंत ही अपने एक्स-रे विजन पावर का यूज करना शुरू किया और ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ऊपर पहाड़ पर एक स्नाइपर अपनी गन से उसे ही निशाना बना रहा है। ईशान समझ चुका था कि यहाँ क्या होने वाला है, उसने तुरंत ही कार की स्टीयरिंग मोड़ी। सर, सर, क्या कर रहे हैं? ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को मोड़े जा रहा था और तभी हल्की सी पिट की आवाज हुई और कार का शीशा एक झटके में ही टूट गया। जिंदा रहना है तो सर नीचे कर लो और कार से मत उतरना। कार की पिछले सीट पर धसी बुलेट को देख वो ड्राइवर भी समझ चुका था कि यहाँ क्या हो रहा है, वो तुरंत ही अपना सर। This story has been uploaded by Wonder Boy Ishan by Endless Audio Telegram channel. Please join this channel and share with your friends to get early episode in Telegram. ये वे स्टीयरिंग के पास बैठ गया
जबकि तभी ईशान झटके से कार से बाहर आया और पेड़ों के पीछे छिप गया। काश मैं अपने वंडर बॉय सूट लेकर आता। ईशान अपने एक्सकेविशन से पहाड़ी के ऊपर मौजूद उस स्नाइपर को देख रहा था, जबकि उस स्नाइपर ने जैसे ईशान को कार से बाहर निकलते देखा वैसे ही वो तुरंत ही अपना सामान समेटने लगा। तत्साला, पहली बार मेरा निशाना चुका है, इस शयानी को मुझ तक पहुंचने से पहले मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा। इधर ईशान को स्नाइपर को भागने की तैयारी करता देख तेजी से पेड़ों की आड़ के ऊपर की ओर चढ़ने लगा, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचा तब तक वो स्नाइपर गायब हो चुका था। मनाली आते ऐसा स्वागत, लगता है यहाँ पर मेरे चाहने वाले बहुत हैं। ईशान के सिक्स सेंस अब भी इस बात का इशारा दे रहे थे कि खतरा अभी भी टला नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से अलर्ट होकर अपने स्पॉट तक पहुंचा था। वहाँ पर ईशान के एडवोकेट और बाकी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसी का इंतजार कर रहे थे। क्या ईशान, इतना लेट करोगे तो होगा? जानते हो इन सरकारी बाबुओं को रोकने के लिए कितना चाय पानी पिलाना पड़ा मुझे? कोई बात नहीं एडवोकेट सर, चाय का पैसा भी जोड़ दीजिएगा बिल में। हाँ बिल में तो जोड़ूंगा, वैसे भी एक एक चाय की कीमत 30-30 हज़ार पड़ी है। ईशान जानता था किस तरह के कामों में अक्सर सरकारी बाबुओं को पैसे खिलाने पड़ते हैं, इसलिए उसने अपने एडवोकेट को ज्यादा कुछ नहीं कहा। जबकि तभी एडवोकेट ने उन फाइल्स पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सिग्नेचर ले लिया और ईशान के पास आ गया। ये लो ईशान, यहाँ पर सिग्नेचर कर दो, फिर ये पूरी कोला कोली पहाड़ी तुम्हारी। एडवोकेट की बात पर ईशान वहाँ सिग्नेचर करने ही वाला था, पर तभी वहाँ गूंजे एक कड़क आवाज ने उसे चौंका दिया। ए रजाओ, रजाओ, तुम लोग होते कौन हो मेरे कोला कोली को बेचने वाले? ईशान ने देखा उसके सामने एक बहुत ही मोटा आदमी अपने हाथों में एक छोटा सा घास काटने का हथियार लिए खड़ा था। ईशान को लग रहा था कि ये कोई छोटा मोटा खतरा है, लेकिन ईशान के सेंसेस बहुत ही ज्यादा अलर्ट थे। ईशान को लग रहा था कि यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। ईशान ने तुरंत ही अपने एक्सरे विजन से उस आदमी को देखा, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं था। पर तभी उसकी नजर जैसे ही मोटे आदमी के पीछे मौजूद पेड़ पर गई वैसे ही वो चौंक गया। उस पेड़ पर एक स्नाइपर था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां चारों ओर पेड़ के झुरमुटों में स्नाइपर्स छुपे बैठे थे। ईशान की हवा टाइट हो गई। Powered by Endless Audio. स्पॉट के चारों ओर पेड़ों पर स्नाइपर्स छुपे बैठे हैं। ओह गॉड, आखिर ये हो क्या रहा है? ईशान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, जबकि तभी वो मोटा आदमी ईशान के पास आ गया और उसने अपने छोटे से घास काटने वाले हसुआ को तुरंत ही ईशान के गले पर रख दिया। अच्छा तो तू ही है वो लड़का जो मेरे इस पहाड़ी को खरीदने वाला है? सुन यार के, कान के साथ साथ अपने सारे छेद खोल कर सुन ले, अगर तूने यहाँ का एक भी पत्थर को छुआ ना तो तेरा खाल उधाड़ कर पत्थर को पहना दूंगा। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो अपने चारों ओर मौजूद स्नाइपर से कैसे बचे। जब ईशान को पूरी तरह से चुप देख नंदूलाल नाम का वो आदमी और ज्यादा गुस्से से ईशान को देखने लगा। क्या बात चोमू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भाई भाई वो मेरे एडवोकेट से बात करूंगा, वो मेरा पेट खराब हो रखा है। तेरा पेट खराब हो रहा है? साले मैं हूँ ही ऐसी चीज, लोगों के आगे पीछे सब कुछ खराब कर देता हूँ। चल जा जल्दी से पेट साफ करके आ, तब तक मैं तेरे इस वकील बाबू से निपट लेता हूँ। साला मेरे कोला काली पहाड़ी को खरीदने आया है, हरामी कहीं का। नंदूलाल से छूटते ही ईशान ने तुरंत कार से बोतल निकाल लिया और घने पेड़ों की ओर जाने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे स्नाइपर्स मुझे ही मारने के लिए भेजे गए हैं। मुझे न सिर्फ इन सबसे बचना होगा बल्कि इन सबका इस तरह से काम तमाम करना होगा कि किसी को भी मुझ पर शक न हो। ईशान कोला कोली स्पॉट के चारों ओर मौजूद स्नाइपर से निपटने का प्लान बना रहा था, जबकि वही दूसरी ओर वहां मौजूद स्नाइपर्स ने जब ईशान को अकेले जाते हुए देखा तब उन सभी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। चीफ, ये रास्ते में मुझसे बच गया था, ऑर्डर दीजिए कि मैं अपना अधूरा काम पूरा कर दूं, अगर तुम्हारे रेंज में है तो फायर करो। चीफ का आदेश मिलते ही उस स्नाइपर ने ईशान के सर पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इधर ईशान पूरी तरह से अलर्ट था और उसने जैसे ही अपने एक्सरे विजन से देखा कि एक स्नाइपर उस पर फायर कर रहा है वैसे उसने जानबूझकर अपने पैरों को आपस मुरझाया और तुरंत ही गिरने का नाटक करने लगा। इधर वो स्नाइपर गोली चला चुका था लेकिन ईशान के अहम वक्त पर गिरने की वजह से उसका निशाना चूक गया। मेरी किस्मत ही खराब है, सॉरी चीफ, मेरा निशाना चूक गया। कोई बात नहीं, वैसे अब जिस भी स्नाइपर को वो ईशान दिख रहा है वो तुरंत ही उसका भेजा खोल दो। सर वो ईशान अभी तो मेरे रेंज में था लेकिन अभी तुरंत ही वो पैंट उतार कर नीचे बैठ गया, लगता पेट खाली कर रहा है। करने दो करने दो, वैसे भी साला पेट का दर्द मरने के दर्द से ज्यादा होता है, लेकिन याद रखना उसके बाहर निकलते ही उसके दोनों आंखों के बीच मुझे सुराख चाहिए। अपने चीफ के ऑर्डर पर सारे स्नाइपर ईशान के उठने का इंतजार करने लगे। वो स्नाइपर भी पूरे फोकस के साथ गन को हाथों में थामे हुए था जिसने ईशान पर रास्ते में हमला किया था, पर तभी अचानक अपने पीछे हो रहे एक सरसराहट ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो स्नाइपर तुरंत ही पीछे मुड़ा और ये देख अचानक उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप गया कि उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके हाथ पैर चेहरे सब जगह पर पेड़ की खाल और पत्ते लगे हुए थे। कौन हो तुम? उस अजीब से दिखने वाले उस आदमी ने कोई जवाब। दिस स्टोरी हैज बीन अपलोडेड बाय वंडर बॉय ईशान बाय एंडलेस ऑडियो टेलीग्राम चैनल। प्लीज जॉइन दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट अर्ली एपिसोड इन टेलीग्राम। नहीं दिया, उसने बस आगे बढ़कर उस स्नाइपर के गर्दन को पकड़ लिया और तुरंत ही उसे पेड़ के नीचे चला दिया। इधर उन सबके चीफ ने भी जब उस पेड़ पर हो रहे हलचल को देखा तो उसने तुरंत ही अपनी दूरबीन उस ओर घुमा दी। स्नाइपर बन, तुम पेड़ से झूल क्यों रहे हो? चीफ, एक वृक्ष वानर मुझे मार रहा है, एक वृक्ष वानर। स्नाइपर बन ने इतना ही कहा था कि तभी उसका शव उस पेड़ से झूल गया। पेड़ों पर छुपे हुए सारे स्नाइपर्स एक ही नेटवर्क लाइन से जुड़े हुए थे और उन सब ने जब स्नाइपर बन को पेड़ से लटके हुए देखा तब उन सबकी धड़कने तेज हो गई। चीफ भी ये सब कुछ देख हैरान था और तभी उसने एक दूसरे पेड़ पर हो रहे हलचल को देखा और अगले ही पल अपने दूसरे स्नाइपर को उस पेड़ से लटका देख उसकी सांसें तो मानो हलक में अटक गई।
दिस स्टोरी हैज बीन अपलोडेड बाय वंडर बॉय ईशान बाय एंडलेस ऑडियो टेलीग्राम चैनल. प्लीज ज्वाइन दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट अर्ली एपिसोड इन टेलीग्राम. दूसरे साथी को खोए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए होंगे कि तभी अपने तीसरे और चौथे साथी के शव को पेड़ से लटकता देख चीफ की हालत खराब हो गई. बॉयज भागो भागो यहां से, मिशन अबॉर्ट, यहां कुछ गड़बड़ है. ये वृक्ष बांदर हम सबको मार देगा. अपने साथियों को मरते देख वो सारे स्नाइपर्स पहले से ही घबराए हुए थे और चीफ का ऑर्डर मिलते ही वे सभी स्नाइपर्स तुरंत ही वहां से मौत हो ग्यारह हो गए. इधर वो वृक्ष बांदर सभी स्नाइपर को वहां से भागते हुए देख एक जगह पर खड़ा हो गया और जैसे ही सभी स्नाइपर उसकी नजरों से उछल हुए वैसे ही वो उस जगह पर आ गया जहां पर ईशान हल्का होने के लिए आया था. हाँ हो गया पेट साफ, अब आराम से इस नंदूलाल से निपट सकता हूँ. दरअसल ये वृक्ष वानर कोई और नहीं बल्कि ईशान ही था. उसने इस स्नाइपर के खतरे से बचने और अपनी पहचान छुपाने के लिए पेड़ों के पत्तों और टहनियों को अपने बदन से बांध लिया था. मैंने अपने विजन पावर से देख लिया, अब यहाँ कोई खतरा नहीं. स्नाइपर्स की पूरी टीम से निपटने के बाद ईशान पूरे कॉन्फिडेंस से नंदूलाल के पास आया था. उसे लग रहा था कि वो नंदूलाल की भी समस्या को आसानी से सुलझा देगा, लेकिन जब वो वहां आया तो अपने एडवोकेट को नंदूलाल के साइड में खड़े. This story has been uploaded by Wonder Boy Ishan by Endless Audio Telegram channel. Please join this channel and share with your friends to get early episode in Telegram. कर बात करता देखा और चौंक गया. माफ करना ईशान, लेकिन मैं क्या कोई भी तुम्हारा ये काम नहीं कर पाएगा. ये नंदूलाल यहाँ के विधायक का आगे पीछे करता है. उस विधायक ने अभी कॉल करके न सिर्फ उन सरकारी बाबुओं को बल्कि मुझे भी ये चेतावनी दी है कि मैं ये स्पॉट किसी भी हाल में तुम्हें ना बेचूं. दूसरा कोई रास्ता, मैंने हथियार डाल दिए, यानी सारे रास्ते बंद. अब चुपचाप लौट जाओ. इतना कहकर वो एडवोकेट और वो सरकारी ऑफिसर तुरंत वहां से चला गया, जबकि तभी नंदूलाल नाम का वो आदमी ईशान के पास आया. बेटा चलो फूट ले यहां से, वरना तेरे हाथ में जो बोतल है ना उसी में तुझे भर के बढ़िया से हिलाऊंगा, फिर गंगा में बहा दूंगा. निकल. ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया और मोबाइल अपने कान में लगाए हुए कार की तरफ बढ़ने लगा. हेलो नीतिका, सब गड़बड़ हो गया है, इन सब चीजों में काफी पॉलिटिक्स हो रहा है, शायद हम लोग ये स्पॉट खरीद नहीं पाएंगे. इतने सारे स्नाइपर से सामना करने के बाद इस तरह से खाली हाथ यहाँ से निकल जाना ईशान को उदास करने के लिए काफी था. वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, और तभी नीतिका की चहक भरी आवाज सुन वो चौंक गया. ईशान तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है. नीतिका तुम क्या करने वाली हो? ईशान बस इतना समझ लो कि मेरे पास एक दुरुप का इक्का है. ईशान नीतिका की बात समझ नहीं पाया था, पर तभी नीतिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया. पता नहीं अब नीतिका क्या करने वाली है, पर अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं. इतना कहते हुए ईशान ने टेंशन में एक सिगरेट जलाया और अपने कैब से वहां से जाने लगा. लेकिन ईशान अभी कुछ ही दूर आया था कि तभी सामने से आ रहे कार को देख उसके होश उड़ गए. ईशान ने देखा कि सामने से आ रहे उस कार में वही दोनों सरकारी ऑफिसर मौजूद थे और वे दोनों ऑफिसर उसे ही रुकने का इशारा कर रहे थे. जबकि तभी वे दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स दौड़ते हुए उसके पास चले आए. अरे भाई साहब, आपने बताया क्यों नहीं कि आप मिस्टर सिंघानिया के लिए काम करते हैं? मिस्टर सिंघानिया का नाम सुन ईशान थोड़ा सा हिचकिचा गया. हाँ मैं सिंघानिया अंकल के लिए काम करता हूँ और सिंघानिया डायमंड का टेम्पररी सीईओ हूँ. अरे भाई यही तो तुम लोग गलती करते हो. देखो तुम हो कंपनी के टेम्पररी सीईओ और डील के लिए भेजते हो उस बकलोल वकील को, पर खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, चलो आओ स्पॉट पर चले. पर सर वो नंदूलाल और एमएलए? देख भाई ऊपर ऊपर क्या होता है हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग तो बस वो 30,000 वाला चाय पीना जानते हैं. अभी हमारे एमएलए साहब ने कॉल किया कि कोली कोला स्पॉट मिस्टर सिंघानिया को बेच दो, तो बस आ गए बेचने. ईशान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, जबकि तभी वो दूसरा ऑफिसर उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ आगे आया. भाई प्लीज लेट मत करो, हम लोगों की चाय ठंडी हो जाएगी. ईशान ने आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत ही उन दोनों ऑफिसर के साथ वापस आ गया. ईशान जब स्पॉट पर वापस पहुंचा तब उसने देखा कि नंदूलाल अभी भी वहीं था, लेकिन जब ऑफिसर्स ने उसे बताया कि वे लोग एमएलए के ऑर्डर के बाद यहां आए हैं, तब नंदूलाल हाथ पर हाथ धरे बस गुस्से से ईशान को देखने लगा. लड़के तू जो कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा. तू सोच रहा है ना कि तू ये स्पॉट खरीद कर यहां के स्टोन्स और डायमंड्स को यहां से दूर ले जाएगा, तो कान खोलकर सुन ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मैं जहन्नुम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला. इतना कहते हुए नंदूलाल गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला गया. इधर वे ऑफिसर्स अभी भी कागजी कार्यवाही कर रहे थे और जल्द ही उन दोनों ने भी अपना काम पूरा भी कर लिया. लीजिए मिस्टर ईशान यहां साइन कीजिए. ईशान ने मुस्कुराते हुए उन पेपर्स पर साइन किया, लेकिन तभी उस ऑफिसर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन ईशान बुरी तरह से चौंक गया. कांग्रेचुलेशन मिस्टर ईशान, आज से मिस्टर सिंघानिया इस कोली कोला स्पॉट के बॉस हुए. मिस्टर सिंघानिया? हाँ मिस्टर सिंघानिया, पर यार प्लीज ये पेपर्स मत मांगिएगा. हम लोग जब तक मिस्टर सिंघानिया से अपनी आंखों के सामने इस पर साइन नहीं करवा लेते तब तक ये पेपर्स हम लोगों के पास ही रहेंगे. ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले. उसने उन ऑफिसर्स को वहां से भेजने के बाद तुरंत ही नीतिका को कॉल लगा दिया. नीतिका मैं समझ गया कि तुम्हारे तुरुप का इक्का तुम्हारे पापा थे, लेकिन यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. क्या हुआ? यार ये स्पॉट तुम्हारे पापा ने अपने नाम से खरीदा है, अब शायद ही हम लोग अपनी कंपनी के लिए यहां से स्टोन और डायमंड्स ले जा सके. ईशान की बात सुन नीतिका ने भी अपना सर पीट लिया. ईशान ये मेरी गलती है, मैंने पापा को बस इतना कहा था कि मुझे मनाली में स्पॉट खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है. सॉरी ईशान, मुझे मालूम नहीं था कि पापा इसे अपने नाम से खरीद लेंगे. नहीं नीतिका तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे भी हम लोगों को इस बात पर खुश भी होना चाहिए कि आखिरकार ये स्पॉट सिंघानिया डायमंड्स के हाथों में ही आया है, किसी और के नहीं. नीतिका ईशान की आवाज में मौजूद उदासी को साफ महसूस कर सकती थी, जब कितना कहने के बाद ईशान ने तुरंत ही कॉल रख दिया. अगले दिन ईशान वापस नीतिका के पास लौट आया था.
नीतिका उसके लटके हुए चेहरे को साफ तौर पर पढ़ पा रही थी। ईशान, मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। सब कुछ मतलब? अरे यही कि हम और तुम एक कंपनी शुरू करने वाले थे और वो मनाली वाले स्टोन हम दोनों मिलकर खरीदने वाले थे। ईशान ने कुछ नहीं पूछा, उससे कोलीकोला स्पॉट से उम्मीद हार चुका था, जबकि नीतिका ही आगे बताती हुई धीरे से बोली। ईशान, पापा ने कहा कि अगली बार अगर हम लोग कुछ बाय करते हैं तब वो हम लोगों की मदद जरूर करेंगे। इस बार वो मनाली स्पॉट से लाए गए स्टोन और डायमंड्स को फेयर में प्रेजेंट करने वाले हैं। ईशान ने कुछ नहीं कहा और तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में भी राजहंस उसके लिए किसी परेशानी से कम नहीं था। वो हर मौके पर ईशान को परेशान करता रहता था, लेकिन बावजूद इसके ईशान ने किसी तरह से 7 दिन काट ही लिए। इन 7 दिनों में ईशान ने उन स्नाइपर्स के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ईशान के हाथ कुछ नहीं लगा। इधर मिस्टर सिंघानिया इन 7 दिनों में मनाली स्पॉट के मालिकाना हक पाने के साथ साथ वहां से वापस भी आ चुके थे। वो अपने साथ कई सारे कोर स्टोन और डायमंड्स भी लाए थे और ऑफिस पहुंचते ही मिस्टर सिंघानिया सबसे पहले ईशान से जाकर मिले और उसे अपने गले से लगा लिया। ईशान बेटा, तुमने मुझे जो स्पॉट खोज कर दिया है ना, वो किसी खजाने से कम नहीं। यही तो मेरा काम है अंकल। तुम तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो ईशान बेटा, मुझे तुम पर सच में गर्व है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे काम का दाम अच्छे से नहीं दे रहा। सिंघानिया की बात सुन ईशान बेजवाब रह गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि सिंघानिया के कहने का क्या मतलब है। अंकल, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, नीतिका ने मुझे सब कुछ बताया। सुनो ना, मैं सोच रहा था कि तुम नीतिका के साथ 50% में कंपनी खोलने वाले थे ना, क्यों ना तुम सिंघानिया डायमंड्स में ही 50% में काम करो। अंकल रहने दीजिए ना, मैं इसी में ठीक हूँ। अरे नहीं सुनो तो, आज से तुम जितना भी काम करोगे ना, उसमें तुम 50% का हिस्सेदार रहोगे। जैसे मनाली स्पॉट का 50% प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा और आगे भी तुम जितना खजाना खोजोगे सबका 50%, और साथ ही तुम्हारी सीईओ की सैलरी भी। सिंघानिया की बात सुन ईशान मुस्कुरा उठा। वैसे भी अपनी खुद कंपनी खोलने के बाद जितना प्रॉफिट वो खुद कमाता, उतना ही प्रॉफिट मिस्टर सिंघानिया भी उसे ऑफर कर रहे थे। ठीक है अंकल, सिर्फ ठीक है नहीं, चलो अब पार्टी करते हैं। वैसे भी आज नीतिका भी डिस्चार्ज हो रही है, आज हम लोग इन दोनों चीजों की पार्टी करेंगे। इतना कहते हुए सिंघानिया ईशान को लेकर हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल में नीतिका भी ईशान से 50% प्रॉफिट वाली बात सुन मुस्कुरा उठी। ईशान के साथ साथ वो भी अपने पापा के इस फैसले से बहुत खुश थी। मैं जानती थी अगर मैंने पापा को सब कुछ बताया तो वो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ नीतिका, मैं भी अंकल के इस फैसले से बहुत खुश हूँ। वैसे एक और बात सुन लो, तुम्हारे डिस्चार्ज होने की खुशी में आज तुम्हारे पापा पार्टी भी दे रहे हैं। ईशान की बात सुन नीतिका तुरंत ही मिस्टर सिंघानिया के गले जाकर लग गई। बेटा चलो अब लेट मत करो, मुझे जोरों की भूख लग रही है। मिस्टर सिंघानिया ईशान और नीतिका को लेकर होटल रॉयल 7 पर आए थे। उन्होंने सबके लिए एक वीआईपी टेबल बुक की थी। ईशान, आज की ये शाम तुम्हारे और नीतिका के नाम। ईशान मिस्टर सिंघानिया के साथ के सपनेपन वाले बिहेवियर को देख बहुत खुश था। वो सच में आज काफी एंजॉय करने वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर जैसे ही सामने टेबल बाय वंडर बॉय ईशान बाय एंडलेस ऑडियो टेलीग्राम चैनल, प्लीज जॉइन दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट अर्ली एपिसोड इन टेलीग्राम गई, वैसे ही वो चौंक गया। ओह गॉड, ये यहां क्या कर रही है? मायरा ये देखकर हैरान थी कि ऋषि ईशान के सामने खड़ा होकर कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा है। वो बस सर झुकाए वहां खड़ा था। मिस्टर सिंघानिया, इतने सालों से हमारी कंपनी आपके लिए काम कर रही है, अब सिर्फ छोटी सी बात के लिए हमारे रिलेशन खराब मत कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि हमारी कंपनी की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। मायरा के दिल पर सांप लौट रहे थे। वो तो हमेशा से समझती थी कि ऋषि ईशान से लाख गुना बेहतर है, लेकिन यहां जो हो रहा था वो उसकी समझ के परे था। तुम्हारी गलती इतनी भी छोटी नहीं है कि उसे ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अभी मिस्टर ईशान कंपनी के सीईओ हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि ने ईशान की तरफ देखा। अगर वो कोई मामूली इंसान होता तो अब तक ऋषि ने उसे शर्म से पानी पानी कर दिया होता, लेकिन अब ईशान सिंघानिया डायमंड का सीईओ था, इसलिए अपने आप ऋषि के हाथ ईशान के सामने जुड़ गए। ईशान, पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज कंपनी रिलेशन खराब मत करना, प्लीज हम बर्बाद हो जाएंगे। माहिरा ने कभी नहीं सोचा था कि ऋषि को ईशान के सामने इस तरह हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये वही ईशान था जिसके पास कभी टाइम। दिस स्टोरी हैज बीन अपलोडेड बाय वंडर बॉय ईशान बाय एंडलेस ऑडियो टेलीग्राम चैनल, प्लीज जॉइन दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट अर्ली एपिसोड इन टेलीग्राम। उसी की वापस की हुई अंगूठी की वजह से ईशान वंडर बॉय बना था। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं ऋषि? इस ईशान ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, इस सब के बाद भी इसके सामने हाथ फैला रहे हो तुम, सो डिस्गस्टिंग। ये कहने के बाद माहिरा ने गुस्से में ईशान की तरफ देखा और पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। लेकिन ये देखकर ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आखिरकार उसने माहिरा से अपना बदला ले ही लिया था। अगर ये ईशान का पर्सनल मैटर होता तो वो ऋषि को कभी माफ नहीं करता, लेकिन बात यहाँ सिंघानिया डायमंड की थी। ठीक है ऋषि, मैं एक बार तुम्हारी कंपनी की फाइल चेक करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें दूसरा मौका दिया जाए या नहीं।
वैसे तो ऋषि को मनी मनीषान पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज ईशान उस जगह पर खड़ा था जहां वो ऋषि के फ्यूचर का फैसला कर सकता था, इसलिए ऋषि मजबूर था। वो बड़े अदब से उससे बोला, ओके मिस्टर ईशान, थैंक यू सो मच। ऋषि चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से निकल गया, लेकिन ईशान का एटीट्यूड देखकर नीतिका खुद को ईशान के लिए पागल होने से रोक नहीं पा रही थी। इसकी इसी स्मार्टनेस से तो मैं प्यार करने लगी हूं, लेकिन अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये भी मेरे लिए भाग। प्लीज जॉइन दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट अर्ली एपिसोड इन टेलीग्राम। चल हो जाए। नीतिका ने प्यार से ईशान की तरफ देखा। चलो ईशान, अब डिनर किया जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। नीतिका की बात सुनकर ईशान ने हां में सर हिलाया और वो डिनर करने चले गए। डिनर खत्म होने के बाद ईशान और नीतिका ताजी हवा खाने के लिए बालकनी में आ गए। खाना अच्छा था ना नीतिका, और आखिर में डेजर्ट तो कमाल थे, है ना? लेकिन नीतिका तो किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी, और अब उसके पास ईशान से पूछने के लिए बहुत से सवाल थे। अच्छा ईशान, तुम्हारे माहिरा के साथ कैसे रिश्ते हैं और तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? नीतिका का इस तरह से सवाल करना ईशान को बहुत अजीब लगा। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, मैं बस सोच रही थी कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ होगा। मुझे लगता है जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, इसलिए ही वो तुम पर भड़की हुई थी। ये सवाल करते ही नीतिका ईशान के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसने ये चाल चली ही इसलिए थी ताकि ईशान से सारी बात निकलवा सके, और ईशान वो भी कहीं ना कहीं इस चाल में फंस गया था। मैंने कुछ नहीं किया था, उस माहिरा को मैं कभी पसंद ही नहीं आया, उसे तो बस एक ही चीज से प्यार है हमेशा से, और वो चीज। ईशान गुस्से में बोलते बोलते रुक गया। उसने देखा नीतिका उसको बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे उसके मुंह से बहुत कुछ सुनने का इंतजार कर रही हो। हाँ ईशान, क्या है वो चीज, क्या है? ईशान नीतिका के प्लान को समझ गया, इसलिए उसने अपने आप को संभाल लिया। कुछ नहीं, रहने दो। ये कहकर ईशान नीतिका से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। नीतिका का प्लान फेल हो चुका था, लेकिन उसके पास पूछने को और भी कई सवाल थे। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन तुमने मुझे वो घड़ी क्यों गिफ्ट की थी, वो तो मुझे बता ही सकते हो। ईशान नीतिका का ये सवाल सुनकर और घबरा गया, क्योंकि आखिरकार नीतिका ने भी उसकी कमजोर नस पर हाथ रख ही दिया था। क्यों, क्या मैं अपनी दोस्त को एक घड़ी भी गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ? इसके लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए। नहीं, दे सकते हो। मेरा मतलब था कि ऐसी घड़ी तो लवर्स एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं ना, आई मीन गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। नीतिका की बात से ईशान थोड़ा और घबरा गया और उसने अपने आप को थोड़ा और सिकोड़ लिया। नीतिका समझ गई थी कि ईशान अभी उससे इतना खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने फिर से टॉपिक चेंज कर दिया। चलो छोड़ो, तुमने नया घर खरीदा है तो हम यहाँ से सीधा तुम्हारा नया घर देखने चलते हैं। यहाँ से अभी? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मुझे अपना घर नहीं दिखाना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, हम अभी तुम्हारे घर जा रहे हैं, मैं डैड को बोल कर आती हूँ। ये बोलकर नीतिका खुशी खुशी वहां से चली गई, लेकिन ईशान की धड़कनें बढ़ी हुई थी। नीतिका के सवालों ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था, साथ ही उसे भी लग रहा था कि वो नीतिका के लिए मन ही मन कुछ महसूस करने लगा है। लेकिन उसे चिंता थी कि घर जाकर क्या होगा, वो कैसे नीतिका को अपने घर वालों से मिलाएगा, कैसे नीतिका को अपना घर दिखाएगा। This story has been uploaded by Wonder Boy Ishan by Endless Audio Telegram channel. Please join this channel and share with your friends to get early episode in Telegram.